तेरे हाथ से छूटा ये मेरा हाथ, सब कुछ टुकड़ा टुकड़ा बिखर गया। लंबे साथ की जो मांगी थी दुआ, जाने क्यों सब बेअसर हुआ। आँखों से ये गिरता खारा पानी, झर झर बह सब सूख गया। हर एक दर्द का हमदर्द तू ही होगा, ऐसा वादा करके क्यों मुकर गया। किस गलती की होती है ऐसी सजा, जो सीने पर सिर रख रोने भी ना दिया। उन सपनों का क्या जो दोनों साझा देखा करते थे, क्यों बंद कर आँखें अपनी सारे सपने तोड़ गया। पर एक लम्हा भी ऐसा नहीं जिसमें तू शामिल नहीं, इतनी दूर जाकर तू मेरे और करीब हो गया, और करीब हो गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिव लाइफ विद रचना। तो ये वीडियो है 26 अप्रैल का। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये दिन मेरे जीवन का सबसे बुरा दिन, बहुत ही ख़राब दिन था। इस दिन मेरे हस्बैंड छोड़कर चले गए थे हम सबको। तो आज के दिन हम लोग सुबह उठकर जल्दी, मैंने नहा लिया था, चाय तो सुबह पी ली थी, और फिर मैंने दिया जला दिया था। तो जो भी मंदिर जाकर संकल्प वगैरह होता है वो करना है आज जाकर। और आज के दिन हम लोग ना थोड़ा बहुत जो भी होता है वो दान कर देते हैं, खाना पीना, और जो भी पंडित को दान करना होता है वो कर देती हूँ। तो वही मैंने यहाँ पर थोड़ा सा शेयर किया है आप लोगों के साथ, क्योंकि देखिए मैं सारा सब कुछ व्लॉग शेयर कर रही हूँ, तो ये भी बताना, अपडेट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम लोग ना मंदिर निकल गए थे, और साथ में हमारे घर के ही लोग तो हैं। वैसे तो ये जो पूजा होती है बच्चों को करनी होती है, मतलब कि अपने फादर के लिए बच्चे ही करते हैं, पत्नी को नहीं करना होता, ऐसा पंडित जी बताते हैं। तो बच्चे तो घर में नहीं थे, और जैसा भी उन्होंने बताया हम लोगों ने यहाँ पर किया था दीदी ने और मैंने। तो 3 साल हो गए हैं पूरे मेरे हस्बैंड को गए हुए, और ये दिन कितना भारी होता है ये तो मैं ही समझ सकती हूँ। और अभी इसीलिए मैंने 2-3 दिन से ना ब्लॉग नहीं डाला था, मन नहीं किया था कुछ भी एडिट करने का। वैसे मैंने 25 का भी बनाया हुआ है, मतलब शूट किया था थोड़ा बहुत, तो मुझे अब टाइम मिलेगा तो मैं कंटिन्यू करूँगी अपने ब्लॉग्स को। और इस वीडियो के शुरू में मैंने जो लाइंस बोली हैं वो मैंने खुद ही लिखी थी, और उसी टाइम लिखी थी जब मेरे हस्बैंड छोड़ कर गए थे दुनिया। तो मेरी डायरी में लिखी हुई थी, वो मैंने खुद ही लिखी थी, तो आज मैंने आप लोगों के साथ भी उसको शेयर कर दिया है। तो यहाँ मंदिर आ गए थे, लेकिन मंदिर आकर पता चला ना पंडित जी अभी आए हुए नहीं थे, तो यहाँ पर थोड़ी देर हम लोगों ने वेट किया था। तो तब तक मैं देख रही थी, दर्शन कर रही थी भगवान के यहाँ पर। संकल्प ये जो लोटा रखा इसमें ना, डर भी लग रहा था, अपनी जिम्मेदारियां भी समझ में थी कि करना है क्या। ये वाला ये एक लो जल लेना है, एक लोटे में और ले लो जल। हाँ। और ध्यान करके गायत्री मंत्र याद है। हाँ। गायत्री मंत्र बोल करके पीपल पे जल चढ़ा देना है। ठीक, आप ये लीजिए, मैं लेके।
तो यहाँ हो गया था संकल्प, और हम लोग ना खाना पैक करवा लिया था, तो कुछ जो बच्चे रहते हैं मंदिर के बाहर उनको बांट दिया था, यहाँ पर दे दिया था, और वही हम लोग खाना घर ले गए थे, तो वही सबने खा लिया था। क्योंकि घर में तो कुछ बना नहीं था, सुबह भी कुछ नहीं बना था, वैसे भी बिल्कुल भी कुछ किसी का मन नहीं कर रहा था, तो ये यहाँ पर देखिए सबको दे दिया था खाना, तो इन बच्चों ने बहुत ही प्यार से ले लिया था और खा लिया था खाना, और बस इसके बाद फिर हम लोग घर आ गए थे सभी लोग। तो मन बहुत उदास था, मेरा और सभी का मन उदास था और होगा भी, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ, पॉजिटिव बने रहने की पूरी कोशिश करती हूँ, और ऐसा मानती हूँ कि अंतिम कभी अंतिम नहीं हुआ, कोई कभी नहीं लिख पाया अपनी अंतिम कविता, इच्छाएं कभी अंतिम नहीं हुई, अंतिम विदा के बाद भी रहते हैं लोग स्मृतियों में, इस धरती पर खिला अंतिम फूल छोड़ जाएगा धरती की कोख में अपने बीज, जीवन के अंतिम छोर पर भी प्रिय रहेगी ये उम्मीद कि ये जीवन तुम्हारे साथ गुजरा अंतिम जीवन नहीं, कि ये जीवन तुम्हारे साथ गुजरा अंतिम जीवन नहीं। तो आज के लिए इतना ही, और इतना ही मुझे आज शेयर करना था आप लोगों के साथ, क्योंकि देखिए आपसे भी तो मेरा एक कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है धीरे धीरे, तो जितने लोग मेरे से जुड़े हुए हैं उनको बताना भी ज़रूरी होता है। और मैं मिलूंगी कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।